हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं सौरभ और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एसएससी सीएचएसएल का जो लाइव क्रैश कोर्स है वो आने वाला है 6 दिसंबर से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसमें किस तरीके के लोग इसमें एलिजिबल है, आपका एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कट ऑफ एनालिसिस भी करवाऊंगा मैं कि पिछले 5 वर्षों में कैसा कट ऑफ रहा है, तो हमारा प्रिपरेशन किस लेवल का होना चाहिए ये भी आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ मेरा जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभियोग्यता, जिसे हम मैथ्स यानी कि गणित के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि उसमें से कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो भी कोर्स आ रहा है जो कि फ्री है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइमली, ठीक है। और जो शेड्यूल होगा क्लासेस का वो आपको वीकली बेसिस पे मिलता जाएगा, एक हफ्ते का। हमने ये आपको वादा किया है कि पूरे की पूरी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के पहले पूरा आपको जो सिलेबस है वो पूरा कवर कराया जाएगा, इसमें कोई भी पहलू छूटा नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग, चाहे साइंस हो, सारे टॉपिक्स में जो भी है वो सारी चीज में कवर कराई जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का जो पैटर्न है ये होता क्या है, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन कराया जाता है। देखिए यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा, हालांकि कंटेंट में जो डिलीवर करूंगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। इवन जो वीडियोस जाएंगे वो भी बायलिंगुअल रहेंगे, दोनों इंग्लिश और हिंदी में कवर कराया जाएगा। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली मैंने यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिखा है सारी चीजें, लेकिन मैं समझाऊंगा हिंदी में भी, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात सीएचएसएल एग्जाम की हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1, 2 और 3। तो इसमें फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं टियर 1। टियर 1 होता है आपके 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। टियर 2 होता है अगेन इसका 100 मार्क्स होता है। और टियर 3 जो है इसका जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मार्क्स आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो टियर 3 क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन ये टियर 3 जो है ये क्वालिफाइंग, इसमें एक कट ऑफ होता है वो प्री डिसाइडेड है, इसको उतना बस आपको लाना होता है, ठीक। अब बात करते हैं सबसे मेन चीजें जो कि टियर 1 और टियर 2 है। देखिए आपको जो मेहनत करना है और आपको जो स्कोर लाना है, सबसे ज्यादा चीज जो आपके हाथ में है वो है टियर 1। और आपको जो लाइव प्रोग्राम कराया जाएगा वो कंप्लीट कोर्स रहेगा टियर 1 का। इस टियर 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। चारों सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, तो मैथ्स है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश है और जीएस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो कितने यहां पर सवाल होते हैं, तो 25, 25, 25 और 25, तो टोटल 100 सवाल होते हैं, 100 क्वेश्चंस, जो 200 मार्क्स का होता है। ये मैं आपको डिटेल में अभी अगले वाले स्लाइड में समझाऊंगा, अभी के लिए समझ के रखिए 4 सब्जेक्ट्स है, टोटल 100 क्वेश्चंस जो कि 200 मार्क्स के हैं। टीयर 2 की हम बात करते हैं तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पहला वाला जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, सेकेंड वाला जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब रिटर्न, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, एक एक सवाल के 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। अब अगर ये रिटर्न एग्जाम है तो इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है लेटर या फिर, और साथ में आपको एक ऐसे लिखना होता है, यानी आपको एक इसमें क्या क्या लिखना है, तो आपको एक पत्र लिखना है और एक निबंध लिखना है, ठीक है। पत्र में आपके पास कभी कभी केवल लेटर ही नहीं, यहां पे आपका प्रेसी राइटिंग भी आता है, ठीक, प्रेसी राइटिंग। तो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 50 मार्क्स आपका निबंध लेखन का यानी कि ऐसे राइटिंग का है और 50 मार्क्स आपका लेटर या फिर प्रेसाइज में से जो भी आता है उनमें से एक रहेगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है, पेपर 2 जो है यानी टियर 2 जो है, ये आपके लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं इसमें, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसका आपको अधिकार है, ठीक। तो सबसे पहली बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का। तो टियर 1 अलग होता है, टियर 1 का एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है तो आप क्वालिफाई करते हैं टियर 2 के लिए। फिर टियर 2 का आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है उसका कंबाइंड एक कट ऑफ होता है, वो भी आप क्वालिफाई करते हैं, तो टियर 3 का एग्जाम होता है, ठीक है। तो टियर 3 की अगर बात करें तो टियर 3 मैंने कहा क्वालिफाइंग नेचर है, तो यहां पर आपका स्किल्स टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल्स टेस्ट, यानी कि डेटा एंट्री का स्पीड भी आपका चेक होता है यहां पर,
और टाइपिंग टेस्ट जो होता है डेटा एंट्री स्किल्स टेस्ट, का मतलब क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसको आपको टाइप करना पड़ेगा और उसमें स्पीड देखी जाती है। पहले ये पेपर बेस्ड होता था, आजकल ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर में ही आपको जो टाइप करना है डेटा वो दिखेगा और आपको जो टाइप करना है वो भी कंप्यूटर में ही होता है, ऑब्वियसली, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन होता है। ओवरऑल सिलेक्शन आपका टीयर वन और टीयर टू के मार्क्स का ही होता है, ठीक। ये केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, सिलेक्शन में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। अब प्रिपरेशन की बात करें तो ये आपके हाथ में है, ये पूरी तरह से 200 मार्क्स जो है आपके हाथ में है। आप जितना सही करेंगे उतना आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन ये हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं होता। ये थोड़ा सा आपके किस्मत की भी खेल होता है कि आपने वो टॉपिक पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और करेक्शन जो होता है ये आज तक हमको समझ में नहीं आया कि करेक्शन किस बेसिस पे होता है। इसका स्कोर वेरी करता है 30 मार्क्स से लेकर 70 मार्क्स तक, किसी को भी कभी भी कोई भी मार्क्स मिल जाता है, लेकिन आज तक ये पता ही नहीं चला है कि टीयर टू में नंबरिंग होती है तो किस बेसिस पे होती है। इसलिए जो चीज हाथ में है आप उसमें मैक्सिमाइज करिए और ज्यादा आप डिपेंडेंट नहीं रहिए टीयर टू के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस टीयर वन के बारे में थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। टीयर वन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका साइंस भी आता है और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग में आपके कोडिंग, डिकोडिंग और बहुत सारे अलग अलग तार्किक शास्त्र के जो टॉपिक्स है वो इसके अंदर आएंगे। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके ऊपर मैं आपसे डील करूंगा इस सब्जेक्ट पर, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम गणित या मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो 25-25-25-25 सवाल है, टोटल 100 सवाल है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है। इस लास्ट वाले सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका 50 में 50 लाना बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप सही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें। हम आपको जो भी वीडियोस यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक वीडियो आप पूरी तरीके से देखिए, उसके बाहर आपका सवाल नहीं आएगा, ठीक है। उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो प्रैक्टिस शीट हम आपको दे रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, डाउट कम्युनिटी में डाउट पूछते हैं, तो निश्चित ही इसमें 50 में 50 और ओवरऑल जो कट ऑफ आता है उसको भी आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से आपको सारी चीजें इसमें कवर करवाएंगे, कोई चीज यहां पे छूटने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पिछले 5 या 6 सालों का जो कट ऑफ रहा है वो अभी हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो 2015 की अगर हम बात करें, ये टीयर वन का कट ऑफ है, फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ। तो फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ क्या होता है, ये 200 मार्क्स में से निकलता है। तो आउट ऑफ 200 मार्क्स अगर आप देखेंगे 2015 में 119 का कट ऑफ, 2016 में 127.5, 17 में 143.5, 18 में 135.6, 19 में 159.52 और 20 में 141। मतलब कि अगर देखा जाए तो लगभग 60% से लेकर 80% तक आपका कट ऑफ जाता है, 60-80% इस लेवल पे आपका कट ऑफ रहता है। मतलब कि अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो आपको तैयारी करनी होगी 90-100% की, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। 90-100 का मतलब क्या है, इसका 90% कितना होगा, यानी आपको कम से कम 180 प्लस नंबर लाने ही है हर हाल में टीयर वन में, तभी जाके आपका जो है सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होगा और आप अच्छे से, आपको यहाँ पे सिलेक्शन में आपका एक बेटर एज रहेगा, है ना। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोवाइड करी जा रही है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को दे कौन सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, जो कैंडिडेट यानी जो अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एग्जामिनेशन में, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात जो है कि इनका एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में होता है। देखिए, यहां पर जो कट ऑफ वाली जो बात मैंने बताई थी, इसमें आपको समझना है कि सीएचएसएल जो है 2020 का अभी अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था पिछले महीने, और इसका कट ऑफ इतना गया हुआ था, क्लियर है। अब सीएचएसएल 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो अभी ऑलमोस्ट हम 2021 के एंड में है, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, कोविड की वजह से हर चीज इफेक्ट हुई है, एसएससी का एग्जाम भी इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो 2021 का नोटिफिकेशन मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर के दरमियान में आता है, तो हमको नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, आपको अपनी तैयारी कभी भी रोकनी नहीं है, तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो 2021 का ही हम टारगेट लेकर चलेंगे और उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। यहां पर
अब हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज लिमिट है वो काउंट कैसे होता है। देखिए, अगर एग्जाम जो है इसका मेजर पार्ट यानी कि टीयर टू जो है वो साल के पहले 6 महीने में हुआ तो आपका एज उस साल के 1st of January से काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो एग्जाम का टीयर टू यानी कि हाफ ऑफ द स्टेज सेकेंड वाले पार्ट में चला गया तो 1 जुलाई से आपका जो है एज काउंट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट हाफ में हो रहा है तो 1 जनवरी से आपका एज काउंट होगा और इस वक्त आपका जो एज है ये 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट है किसी भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो, 12वीं का आपके पास डिग्री होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, वो भी इसी कट ऑफ डेट के पहले यानी 1 जनवरी 2022 के पहले आपका 12th कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब मैं आता हूं मेरे सब्जेक्ट में जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 25 सवाल आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से फिक्स्ड है यानी मैथ सेक्शन से, तो टोटल यहां पर ओवरऑल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं मोटे तौर पे। पहला पार्ट है एडवांस्ड अर्थमेटिक पार्ट और दूसरा है एडवांस्ड पार्ट। ठीक है, तो अगर इस 25 क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो यहां पर आपके 14 क्वेश्चन है 14 और यहां पे आपके 11 है, तो 14 प्लस 11 करोगे तो 25 सवाल। ठीक है, तो लगभग पिछले 4-5 वर्षों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है और लगभग इसमें प्लस माइनस एक सवाल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी शिफ्ट आप देखेंगे तो ये फिक्स्ड पैटर्न है, इसी तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं ताकि आप भी एक बेहतर तैयारी कर सके। आपका वीक जोन क्या है, आपका स्ट्रांग जोन क्या है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, मतलब समय एवं कार्य और नल एवं टंकी से एक सवाल फिक्स्ड है। रेशियो प्रोपोर्शन एज और पार्टनरशिप, अनुपात समानुपात, आयु और साझेदारी से आपका एक सवाल फिक्स्ड है। औसत मिश्रण एवं समानुपात से एक सवाल फिक्स्ड है, एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी प्रतिशत लाभ एवं हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से एक सवाल फिक्स्ड है। ये सभी जो है प्रतिशत के ही टर्म्स पे चलते हैं, तो परसेंटेज पे अगर आपका पकड़ अच्छा है इन दोनों टॉपिक्स पे भी आपका पकड़ अच्छा रहेगा। फिर आता है समय चाल एवं दूरी से एक सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जब मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोल रहा हूं तो इसमें दो टॉपिक्स जो है जो छुपे हुए हैं, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी और नाव एवं धारा, ये भी आपका कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन सर्च एंड इंडाइसेस यानी संख्या पद्धति सरलीकरण और आपका जाएगा करणी एवं घातांक। इसमें से आपके दो सवाल फिक्स्ड है, टू क्वेश्चंस फिक्स्ड है। ये जो है ना, ये इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस को, क्योंकि सभी लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हों ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको पहले नंबर से दोस्ती करनी होगी, तो नंबर को समझना है और दोस्ती करना है तो यही टॉपिक से हमें स्टार्ट करना होगा। तो नंबर होता क्या है, सिस्टम नंबर सिस्टम क्या, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसमें जो है ना, ये थ्योरी बेस्ड है, इसका थ्योरी बहुत ज्यादा है, सवाल आसान होता है, तो थ्योरी समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। सवाल तो हम विद इन सेकेंड्स एक एक मिनट के अंदर हम उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी समझना जरूरी। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज जो आपको चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ आपको सारी चीज देखनी होगी और हार्डवर्क। ठीक है, पेशियंस आपको चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। तो ये जो है थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे आपके इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना। अब इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि इसका मेजर पार्ट है, चार सवाल आपको फिक्स्ड इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जब डीआई की बात हो रही है तो इस बात को समझिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन कोई नया टॉपिक नहीं है। इसको जो इसमें जो है, इसमें क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है। टेबल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन में कुछ चीज दिख रहा है, ये क्या है, एक टेबल अरेंजमेंट है। ये क्या है, एक टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि कौन सा सवाल से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है डेटा का जिसमें आपका टेबल आता है, बार ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है और साथ में लाइन ग्राफ आता है। तो ये चारों टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो वो होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, इन तीन टॉपिक से वो सवाल आते हैं। एक है आपका रेशियो प्रोपोर्शन,
ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है एवरेज, तीसरा जो है वो परसेंटेज। तो अगर आपने ये तीन टॉपिक पढ़ लिया तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको अलग से करवाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास ये तो हो गया अर्थमेटिक का, इसके बाद आते हैं हम एडवांस्ड में। एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि एक एक टॉपिक से ज्यादा ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे कि देखिए, एलजेब्रा में तीन सवाल फिक्स्ड है, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में तीन सवाल, ज्योमेट्री में चार और मेंसुरेशन में एक। तो एक टॉपिक है जिसमें से तीन सवाल है, तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर प्रैक्टिस भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे कराया जाएगा, ताकि आपका जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो। ठीक है, तो अब आपको मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि ये 25 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसा है, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और आने वाले समय में यही टॉपिक हम पढ़ेंगे। बिफोर योर एग्जाम सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ताकि ना सिर्फ ऐसे लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी समझ में आए, और जो लोग 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस भी अच्छा हो, ताकि वो एग्जाम को पूरी तरह से क्लियर कर सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।